वेलकम टू न्यू अनदर ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं सराय आलमगीर, जानवर देखने जा रहे हैं और आपको मैं साथ नहर का व्यू कराऊंगा। वहाँ पे लोग नहाते हैं, बहुत प्यारा सीन होता है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें। तो चलो फिर। तो इसी के साथ ही हम नहर पे पहुंच चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि नहर पे लोग नहाते कैसे हैं। तो ये पुल है जी, इस पुल को कहते हैं, मतलब ये सराय आलमगीर में नहर वाला पुल है। वो मेरे पीछे आपको ड्यूटी रोड, बैक साइड पे ड्यूटी रोड का पुल नज़र आ रहा है, मतलब ड्यूटी रोड पे है पुल वो, और ये ट्रेन का पुल है। इस गर्मी में अगर आप यहाँ पे आए और आप नहाए नहीं तो आपने कुछ नहीं देखा। इस गर्मी में आवाम नहा रही है यहाँ पे और फुल मौज मस्ती इंजॉय चल रहा है। तो खैर, क्या रहे खान जी, ठीक नहाने आए हो? पानी ठंडा है? आपको तैरना आता है भाई? नहीं तैरना आता? फिर इधर कैसे नहाते हैं? कैसे तैराकी ना आती हो फिर भी पता ना आता है? गहरा नहीं है पानी? अच्छा, पानी स्पीड में आगे ले जाता है, डूबने नहीं देता। पहले मैं छलांग मारूं, अगर मैं डूब गया तो फिर हम ऊपर पहुंच जाएंगे। हैं यार, ये इतनी गहरी नहर में पता नहीं कैसे नहा लेते हैं, पर नहा लेते हैं। और मैं अगर मैं डूब गया तो, ये बंदा देख लो भाई जान, अगर मैं डूब गया। खान, डुबकी लगाया? कितना डुबकी लगाया? बस बस यखुबुदे ना, गर्म दे। भाई अभी आपने छलांग लगाई है, पानी कितना गहरा है? मामा भी हार गया, ज्यादा गहरा है? पानी ठंडा है? अगर मैं छलांग लगाऊं पार चला जाऊंगा? क्यों मरना है लाला, छलांग ना मार यार। हाँ भाई, ये भाई ठीक कह रहे हैं भाई। आप मुझे वो क्या कहते हैं वो, ये हमारे पुश्तों में जड़ मरता है ना, हाँ। वो फिर बोलते हुए मर के सर गुल, हाँ सर गुलू ना, सुरख पुल ले जाएगा। तो भाई ने बोला है कि जो बंदा मर जाता है साथ सिर्फ सुरख फूल ही लेके जाता है और कुछ नहीं लेके जाता। पठान भाई का कहना है वो भी नहीं मिलते, वो भी किस्मत से नसीब से मिलते हैं। मेरा भी दिल कर रहा है नहाने को, पर मैं नहीं नहाऊंगा। मैं जाके आके आपको जगू ऐड में नहा के दिखाऊंगा, वहाँ पे पानी बहुत कम है, यहाँ पे हम नहीं नहा सकते। इसी के साथ जी अब हम इधर से चलते हैं जगू ऐड। जगू ऐड का जो नहाने की जगह है ना, वो बहुत मज़े की जगह है, मतलब इससे भी प्यारी है। तो मैं वो आपको दिखाता हूँ, वो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे है। तो ये सराय आलमगीर है, ठीक है, पीछे पुल नज़र आ रहा है वो सराय आलमगीर वाला, और वो आगे यहाँ से 10 किलोमीटर आगे है। मैं आपको यही रोड बिल्कुल ना, मतलब जाती है सीधी, तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे जाके जगू ऐड के सीन, जगू ऐड पे क्या सीन है। वहाँ पे
बंदे वगैरह आए हैं, लोग नहाने आए हैं कि नहीं आए। अगर आए हैं तो आपको दिखाते हैं, आपसे शेयर करते हैं, और रास्ते में आपको दिखाते हैं कुर्बानी के जानवर मेरे मेरे साथ, और चलते हैं जग्गू हाइट। इस गर्मी में अगर आप बाज़ार आए हो तो आपने गन्ने का जूस नहीं पिया तो कुछ नहीं किया, इसलिए गन्ने का जूस पिए। क्या हिसाब है इनका, क्या रेट वगैरह है इसका? दो लाख दस हज़ार जी। दोनों बैठ है ठीक है जी। और दूसरे का भी 2-10 मांग। 2-10 तो ये जोड़ी अगर मतलब कोई लेना चाहे तो? जोड़ी भी लेना चाहे 4 लाख। मतलब 4 लाख 20,000 लेस हो जाएगा, 4 लाख की जोड़ी। बाकी वो भी आपके हैं सारे जी? वो भी। तो उनका क्या रेट वगैरह? उनका भी मुख्तलिफ रेट है। मतलब दौर में आप देख सकते हैं कितनी महंगाई है जी। तो हर बंदा मुश्किल से जो है ना, हर इंसान का दिल चाहता है कि यार कुर्बानी करे, लेकिन रेट महंगाई ये सब चीज़ें जो है ना। तो इसी के साथ ही हम जग्गू हाइट पहुँच आए हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ जग्गू हाइट। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है जग्गू हाइट। यहाँ पे लोग नहाने आते हैं, बहुत मज़े का सीन होता है यहाँ पे। जैसे मैं सोच रहा था कि यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा लोग होंगे, पर यहाँ पे तो आज कोई भी नहीं है यार। ये चेक करें पीछे आप, ये जगह पूरी भरी होती है लोगों से, आज यहाँ पे कोई भी नहीं है। इसकी क्या वजह है मुझे कोई पता नहीं। तो इसी के साथ चलते हैं हम पुल की दूसरी साइड पर, जो मेन नहर है, नहर वाली साइड पर चलते हैं हम। इसी के साथ जी मुझे दे इजाज़त, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन के बटन को याद से प्रेस कर देना। और बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।